बटाला च दुकानदार दुकान मालिक का विवाद उस समय होर भी ज़्यादा माहौल गर्म हो गया जदों दुकानदार मालिक के हक के निहंग सिंह आए तो निहंग सिंघां दे वल्लों दुकानां नूं बंद करके उसके अगे टेंट लगा के बैठ गए तो रस्ता भी बंद कर दिया गया जिस तों बाद दुकानदारां दे वल्लों पुलिस के सामने ही निहंग सिंघां दे टेंट फाड़ दिते तो उन्हां वल्लों भी रस्ता बंद कर दिया गया। उत्थे ही काफ़ी लंबे दी जदों जहद तो बाद पुलिस पार्टी वालों दोवें धिरों नूं रस्ते खोलन अते धरना बंद करन लई मनाया गया। निहंग सिंह अते जथेबंदियां दुकानदारां नूं बैठ के मसला हल करवाउण लई जो पुलिस है उन्हां नूं थाने लै के गई। उत्थे दुकानदारां दा कहना है कि उन्हां दे नाल सरासर धक्का हो रहा दुकानां सामने निहंग सिंघां नूं बिठा के जबरी कब्जा किया जा रहा। उन्हां कहा कि असीं अपने पुराने मालक नूं ही किराया देण लई तैयार हाँ, जेकर मौजूदा मालिक ने साढ़े को किराया लेना तो कानून के मुताबिक ही किराया लिया जाए। दूजे पास पुलिस अधिकारी एस पी गुरप्रीत सिंह ने जानकारी देंदे हुए दसिया कि दुकानदार मौजूदा दुकान मालिक विचकार दुकानों लैके काफ़ी समय तो विवाद चल रहा है जिसनों लैके दुकान मालिक ने दुकाना के अगे टेंट लगा के निहंग सिंह बिठा दिता से जिस तों नाराज दुकानदारा ने भी चौंक जाम करके रोस प्रदर्शन शुरू कर दिता गया। तो उत्थे ही एस पी ने कहा है कि दुकाना ते टेंट लगा के निहंग सिंह बिठाना सरासर गलत है, दुकानदारों की शिकायत उत्ते बनती कार्रवाई की जा रही है। मैं पवन खोसला जी, इतने मैं तकरीबन 45-48 साल तो यह बाजार के रह रहा। यह जगह के उत्ते सारे जिन्हें मेरे वीर भरा इतने आ सारे दुकाना करते अज ही नहीं करते, 40-45 साल हो गए। मैनू देखते दे सारे ओ दुकानदार ने, कोई पुराना बंदा नहीं है, ये दुकाना कर रहे ने। कोई नहीं किराया पहला इला मालक ही सुनते होंगे जी, मैनू नहीं पता वक्का बोर्ड आ कौन आ, बेदी साहब सुनते सब कोल इंजीनियर किराया। हूँ उस तो बाद जो किराया किनू देंगे दे, मैनू इस चीज़ बारे नहीं नॉलेज है। मगर जो कुछ होया सामने है, चाननिया ला के कब्जे मैं अज तक नहीं वेखे। अज तो 2005 यो बंदे 2005 यो बंदे 50 बंदे लैके आया सगा मेरी दुकान से कब्जा करने वास्ते। वह केस अजय हाईकोर्ट में पैसे दे के हाईकोर्ट ने उन्होंने बंद कराया वा, जबकि मैं अज जावा अज ही केस चालू हो जाता है। 20 साल हो गए हाईकोर्ट में केस पेंडिंग पिया था वा। इन्हों का काम ही है धक्केशाही करके जो कब्जे करो शहर च, कोई ये मालकी है जो किराएदारी ने मालकी हैगी तो किराया लवे। इदा किराया देखो चलती एक मिनट कैमरा करो जी, उस पास चाननिया ला के दुकाना कब्जा करके नहीं हो। चौंक है इतने बटाले का सैंडी कच्चा ना उन्हों का पता सैंडी है इतने। ये इन दे वालों ये दावा सी कि इन्हें वक्फ बोर्ड तो इन्होंने इस लीज ली हुई है इस दुकाना की, तो जोड़े दुकानदार ने हूँ जो पहला जिन्हों को लीज सी उन्होंने किराया देंदे रहे, तो मैनू हूँ किराया नहीं दे रहे काफ़ी टाइम तो। इतने इन्ह के वलों अज कुछ निहंग सिंह बुला के टेंट ला के ते दुकाना के बाहर इन्होंने टेंट लाता जिदे कर दुकानदार जोड़े वो पहुँच नहीं सके, उत्थे अंदर नहीं खोल नहीं पाए। शहर नाते होने लई एक बार इन्हों दोनों कह वार्निंग देती इन्हों के बिल्कुल गलत काम ही कर रहे हैं। इन्हों दोनों पार्टियां एक बार एक प्लेटफॉर्म से बह गल कर तैयार है, इस करके असी इन्हों बिल्कुल गलत है। इन्हों की कंप्लेंट तो लैके आप कार्रवाई इन्होंने उत्ते कर देनी। मैं पवन खोसला जी, इतने मैं तकरीबन 45-48 साल तो यह बाजार के रह रहा। यह जगह के उत्ते सारे जिन्हें मेरे वीर भरा इतने आ सारे दुकाना करते अज ही नहीं करते, 40-45 साल हो गए। मैनू देखते दे सारे ओ दुकानदार ने, कोई पुराना बंदा नहीं है, ये दुकाना कर रहे ने। कोई नहीं किराया पहला इला मालक ही सुनते होंगे जी, मैनू नहीं पता वक्का बोर्ड आ कौन आ, बेदी साहब सुनते सब कोल इंजीनियर किराया। हूँ उस तो बाद जो किराया किनू देंगे दे मैनू इस चीज़ बारे नहीं नॉलेज है। मगर जो कुछ होया सामने है, चाननिया ला के कब्जे मैं अज तक नहीं वेखे। अज तो 2005 यो बंदे 2005 यो बंदे 50 बंदे लैके आया सगा मेरी दुकान से कब्जा करने वास्ते। वह केस अजय हाईकोर्ट में पैसे दे के हाईकोर्ट ने उन्होंने बंद कराया था वा, जबकि मैं अज जावा अज ही केस चालू हो जाता है। 20 साल हो गए हाईकोर्ट में केस पेंडिंग पिया था वा। इन्हों का काम ही है धक्केशाही करके जो कब्जे करो शहर च, कोई ये मालकी है जो किराएदारी ने मालकी हैगी तो किराया लवे। इदा किराया देखो चलती एक मिनट कैमरा करो जी, उस पास चाननिया ला के दुकाना कब्जा करके नहीं होया।
चौंक हैगा इत्थे बटाले दा सैंडी जब कच्चा ना उन्हां दा पता सैंडी है इत्थे इन्हां दे वल्लों ये दावा सी कि इन्हां वक्फ बोर्ड तो इन्होंने इस लीज़ ली हुई है इस दुकानां दी ते जिहड़े दुकानदार ने हुण जिहड़ा पहलां जिन्हां कोल लीज़ सी उन्हां नूं किराया दिंदे रहे ते मैनूं हुण किराया नहीं दे रहे काफ़ी टाइम तो इत्थे इन्हां दे वल्लों अज्ज कुछ निहंग सिंह बुला के टेंट ला के दुकानों के बाहर इन्होंने टेंट लाता जिदे कर दुकानदार जोड़े वो पहुँच नहीं सके उत्थे अंदर नहीं खोल नहीं पाए शहर नाते होने लिए एक बार इन्हों दोनों कह वार्निंग देती इन्हों के बिल्कुल गलत काम ये कर रहे हैं इन्हों दोनों पार्टियां एक बार एक प्लेटफॉर्म से बह गल कर तैयार है इस करके असी इन्हों बिल्कुल गलत है इन्हों की कंप्लेंट से लैके आप कार्रवाई इन्होंने उत्ते कर देनी बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाड़े शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435 0321 बाबा